हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाइस आईफोन में जो सारी एप्लीकेशंस को अपडेट आते हैं, हम उन सारी ऐप्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मैंने जो है इंस्टॉल कर रखी हैं अपने iOS डिवाइस में। मान लो गाइस, मुझे इन एप्लीकेशंस को वाईफाई पे कनेक्ट करके फ़ोन को चार्जिंग पे सेट करके सारी एप्लीकेशंस को एक बार हमें अपडेट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। इस तरह से मान लो कि मैं जस्ट अपना टाइम सेव करूँगा, तो इसके लिए मुझे जस्ट ऐप स्टोर के ऊपर जंप करना है। दो मेथड्स हैं। सबसे पहले कि आपको जो जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में अवेलेबल है, जैसे कि मान लो कि मेरे फ़ोन में सबसे पहले व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर जितनी भी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, मैं उनको सर्च करूँगा और फिर उनको वन बाय वन क्लिक में इंस्टॉल करूँगा। जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं, मैंने जस्ट ऐसे व्हाट्सएप को अपडेट किया और इसी तरीके से मैं सेकेंडली अपडेट करूँगा, लेकिन ये जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला है। सबसे पहले अगर आपको ऐप्स को अपडेट करना है, तो आपको ऐप स्टोर में जाना है और अपनी एप्पल आईडी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। टुडे सेक्शन में जाकर इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपडेट ऑल का जो ऑप्शन है वो दिख रहा है। अभी जो है मैंने सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं अपडेट ऑल की हैं। जस्ट मैंने जस्ट सोचा कि ये एक टॉपिक है, इसकी वीडियो बनानी चाहिए, तो जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट ऑल। यहाँ पर मेरे सिर्फ एक एप्लीकेशन का अपडेट अवेलेबल है, व्हाट्सएप। मैंने अभी अभी जस्ट अपडेट किया है टुडे। आप देख सकते हैं स्नैपचैट मेरी यस्टरडे अपडेट हुई, यूट्यूब जो है मेरी दो दिन पहले अपडेट हुई, पेटीएम भी दो दिन पहले, जी मेल तीन दिन पहले, और ये गूगल मैप्स हैं वो 3 अप्रैल को अपडेट हुआ था। ये कैलकुलेटर ऐप भी 3 अप्रैल को, 2 अप्रैल को पोस्ट, 4 इंस्टाग्राम। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है अपनी टाइमिंग भी शो कर रही हैं कि किस किस टाइम पर ये एप्लीकेशन अपडेट हुई, कब कब अपडेट हुई। तो जैसे कि अब मान लो कि मुझे ये गेम अपडेट करनी है, तो मैं जस्ट अपडेट ऑल या फिर सारे की सारी ऐप्स मुझे अगर अपडेट करनी है, तो मैं अपडेट ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा और मेरा सिंपल वन क्लिक में ये मैथड जो है अपडेट हो जाएगा। सो दोबारा से चेक करो, ऐप स्टोर पर जाना है, टुडे सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, डायरेक्टली सर्च पर ना जाएं। अगर सर्च पर गए तो आपको यहाँ से फिर भी प्रोफाइल सेक्शन ओपन करना ही पड़ेगा और जस्ट अपडेट ऑल के ऊपर क्लिक कर दो। वाईफाई कनेक्ट करके अपने फ़ोन को चार्जिंग के ऊपर सेट कर दो, तो ऑटोमेटिकली ही ऐप्स वैसे अपडेट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आपने बंद की हुई है, तो फिर आप अपडेट ऑल के ऊपर क्लिक करके मैन्युअली सारा कुछ अपडेट कर सकते हो। बाकी अगर फोन की बात करें, तो वो भी जस्ट आप जनरल सेक्शन में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट में आप जाकर अपने फोन को अपडेट कर सकते हो। वाईफाई के ऊपर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। 15.4.1 अभी तक का लेटेस्ट अपडेट चल रहा है, जो कि मेरे आईफोन 13 प्रो में इंस्टॉल है। सो ये है सिंपल मेथड कि आप कैसे अपने फोन में सारी की सारी ऐप्स को वन क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।